पटना में 15 अगस्त से शुरू होगी मेट्रो सेवा। विधानसभा में बिहार के डिप्टी सीएम ने कर दिया बड़ा ऐलान। आप सभी जानते हैं कि पटना में मेट्रो का चलना कितनी बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अगले साल 15 अगस्त से पटना में जो मेट्रो की सेवा है वो शुरू होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि भाई 15 अगस्त से जो पटना मेट्रो रेल सेवा है वो शुरू हो जाएगी और जो पटना के लोग हैं, जो बिहारवासी हैं, वो इसका जो लाभ है वो उठा पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी बिहार जैसे राज्य में जो लोग रहते हैं, वो अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल सेवा कि जैसी जो सर्विस है, जो सुविधा है, वो लेने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से मेट्रो की सेवा है, वो आए दिन लोग कहते हैं कि दिल्ली जैसी मेट्रो सेवा कहीं भी नहीं है। और कहा यह भी जाता है कि डीएमआरसी की तरफ से ही वहाँ पर भी सारे काम चल रहे हैं और सभी लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर पटना में मेट्रो की शुरुआत कब होगी। तो आपको बताते चले कि पटना मेट्रो परियोजना के शुरुआती चरण में दो मुख्य कॉरिडोर हैं, जिसमें एक उत्तर दक्षिण और दूसरा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। अगर बात करें उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पटना जंक्शन से तो दानापुर तक, और पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है वो पटना साहिब से एम्स कैंपस को जोड़ेगा। अगर बात करें मेट्रो की शुरुआत होने के बाद पटना में बढ़ते ट्रैफिक से दबाव से लोगों को मुक्ति मिलेगी और जो आसान कनेक्टिविटी है वो भी मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पटना है वो बिहार की राजधानी है, और बात करें अगर भीड़ भाड़ की तो कितना पॉश इलाका हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग हैं वो अभी भी वहाँ पर चाहते हैं कि वो बाहर ना जा करके जो सारी सुविधा है वो बिहार में ले ले। अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी बिहार में रोजगार की है, जिसकी वजह से जो बिहारवासी हैं, जो भाई हैं, वो तरह तरह की मजदूरी करते हैं अन्य राज्यों में जा करके कि वो अपना घर चला पाएँ। तो कहीं ना कहीं अगर पटना में या बिहार में कुछ अच्छी शुरुआत होती है तो बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो जाती है, एक बड़ा सौगात हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि 15 अगस्त से मेट्रो की जो रेल सेवा है वो शुरू हो जाएगी, तो क्या सच में 15 अगस्त से मेट्रो की सेवा शुरू होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जितने भी बिहारवासी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस खुशखबरी को सुन रहे हैं, उनका क्या कहना है मेट्रो रेल सेवा को लेकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करते कि इस मामले में अभी कितनी सच्चाई है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें जो भी जानकारी मिली हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ये खबरें आती है कि भाई बिहार में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी, बिहार में बहुत जल्द मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत होगी, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि सबसे पहले बिहार में जो आने जाने वाली ट्रेन है उसकी कनेक्टिविटी सही की जाए, उसकी चीज़ें सही की जाए, सुविधा दी जाए, उसके बाद बुलेट ट्रेन या मेट्रो पे बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट अब काम कर रही है, आए दिन वहाँ पर नई नई खुशखबरी रोजगार देने की बात कर रही है, उससे जो जनता है वो खुश भी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पटना में क्या सच में 15 अगस्त 2025 से मेट्रो की जो रेल सेवा है वो शुरू होती है या नहीं। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।